नमस्कार दोस्तों, चैप्टर 15 की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर 15 में बचा क्या क्या है, तो एक तो मुगल पर्शियन रिलेशंस बचे हुए हैं, खासकर इनका लास्ट फेस। दूसरा ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मनसबदारी सिस्टम और मुगल आर्मी के बारे में कुछ बेसिक इन्फो बची हुई। देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कितना खत्म कर पाते हैं। तो बल्क की बात की जाए, कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से जो बल्क कैंपेन था वो एक सक्सेस था, कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से जो बल्क कैंपेन था वो मुगलों के लिए एक सक्सेस नहीं था। मैंने पहले भी बताया आपको, सक्सेस इस हिसाब से था कि बल्क कैंपेन में इंटरवेंशन की वजह से एक कम्बाइंड उज़्बेक स्टेट नहीं बन पाया, इसलिए मुगल स्टेबिलिटी रही, उज़्बेकों का बहुत सारा अटैक नहीं आया। लेकिन डेफिनेटली इस बल्क कैंपेन में मुगल आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स की मौत हुई, बहुत सारा पैसा खत्म हुआ और कुछ जगहों पे मुगलों को थोड़ी बहुत डिफीट भी यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, अच्छा आप देखिए, डेफिनेटली बल्क कैंपेन की वजह से बहुत सारे उज़्बेक ट्राइब्स थी जो लोकल लेवल पे थी, वो नाराज़ हो गई थी मुगलों से और उन्होंने मुगलों के अगेंस्ट आप कह सकते हो कि एक्टिविटी शुरू कर दी थी। अब इस बीच में एक और एक्टिविटी यहाँ पे हो, उज़्बेक और मुगलों की इस लड़ाई के बीच में पर्शियंस ने फायदा उठा लिया। पर्शियंस ने अटैक कर दिया और 1649 में 1649 में फिर से कांदहार को कब्जा लिया। कांदहार अकबर के समय पे मुगलों के पास था, अकबर के बाद कुछ समय के लिए फिर से कांदहार सफाविद रूलर्स ईरान के पास चला गया। बाद में शाहजहां ने अपने सूझबूझ से फिर से कांदहार को कब्जाया और अब 1649 के समय पे 1649 में कांदहार फिर से ईरानियंस के पास, पर्शियंस के पास जा चुका था। इससे शाहजहां की प्राइड को काफ़ी धक्का लगा। शाहजहां, अब सोचिए शाहजहां मुगल रूलर है और मुगल रूलर का इतना बड़ा कांदहार का प्रोविंस आप खींच ले जाओ तो गुस्सा तो आएगी ही ना। ओके, तो कुल मिला के आप देखोगे कि कांदहार जब शाहजहां के हाथ से निकल गया तो शाहजहां की ईगो यहां पे हर्ट हो गई और डेफिनेटली अब इस ईगो को रिवेंज लेने के लिए शाहजहां कुछ ना कुछ करेगा। तो शाहजहां ने अपना जो बेटा था औरंगजेब को पहली बार भेजा अटैक पे। ठीक है, बल्क के कैंपेन में मुगल विक्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो क्रेडिट जाता था किसके पास, औरंगजेब के पास। तो औरंगजेब जो कि बल्क का हीरो था, इसको भेजा गया कांदहार वापस लेने के लिए। यहाँ पे औरंगजेब को 50,000 की आर्मी दी गई। अब कांदहार का जो फोर्ट था उसके बाहर पर्शियंस और मुगलों की लड़ाई हुई और यहाँ पे मुगल जीत गया, पर्शियन हार गया। नो डाउट यहाँ पे जो पर्शियन अपोजिशन था वो आप कह सकते हो कि हार गया था मुगलों से, लेकिन मुगल कांदहार के फोर्ट को कब्जा नहीं कर पाए। समझिए, पर्शियन हार गए, फोर्ट के बाहर जो लड़ाई हो रही वहां पे पर्शियन हार गए। ये रहा कांदहार का फोर्ट, जिस फोर्ट के बाहर मुगल इधर पर्शियन इधर लड़ रहे हैं, पर्शियन सारे हार गए, मुगलों ने काट दिया, लेकिन तब भी ये फोर्ट किसके अंदर था, एक पर्शियन कमांडर के कंट्रोल के अंदर था। मुगल इस फोर्ट पे कब्जा नहीं कर पाए डिस्पाइट द फैक्ट कि बाहर जो पर्शियन से लड़ रहे थे वो हार चुके थे। तो इस बार जब पहला अटैक आया औरंगजेब के अंदर, तब मुगल इस कांदहार के फोर्ट को कब्जा नहीं कर पाए। 3 साल बाद औरंगजेब ने फिर से कोशिश की और उसके बाद आप देखोगे कि दारा शिकोह ने 1653 में फिर से कोशिश की। दारा शिकोह आप कह सकते हो शाहजहां का फेवरेट बेटा था। दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों भाई भाई थे और बाद में आप देखोगे कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ाई होगी जिसमें औरंगजेब जीत जाएगा, दारा शिकोह मर जाएगा। जब तीसरी बार दारा शिकोह पूरी आर्मी लेके और बड़ी बड़ी गन लेके पहुंचा, कहाँ पे, इस कांदहार के फोर्ट पे, उस समय पे दारा शिकोह ने बहुत सारे बोस्टफुल क्लेम्स किए थे कि वो किसी भी तरीके से इस फोर्ट को जीतेगा। मुगल एम्पायर की जो दो सबसे बड़ी तोपें थी ना, उन तोपों को लेके आया गया था कांदहार में और उन तोपों ने आग बरसाई थी कांदहार फोर्ट पे। उसके बावजूद कांदहार फोर्ट यहाँ पे नहीं गिरा, अंदर एक एबल पर्शियन कमांडर ने कांदहार फोर्ट के ऊपर पर्शियंस का ही कब्जा रखा। तो ये जो मुगल हारे ना कांदहार के अंदर, इसकी एक कह सकते हैं वजह बताया जाता है मुगल आर्टिलरी की कमी को। एक्चुअली में मुगल आर्टिलरी की कमी नहीं, उस समय पे कंटेम्प्ररी एशिया में जितनी भी आर्टिलरीज थी वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े और मैमथ फोर्टों के सामने छोटी पड़ जाती थी। और इस पर्टिकुलर विक्ट्री ऑफ पर्शियन कह लीजिए या फिर लॉस ऑफ मुगलों में एक बात बोल लीजिए कि कांदहार फोर्ट की स्ट्रेंथ नजर आती थी। एक बड़ा फोर्टिफाइड फोर्ट जिसको एक एबल कमांडर ने पकड़ रखा है, उस फोर्ट को यहाँ पे मुगल आर्मी और उसकी बड़ी बड़ी तोपें भी नहीं गिरा पाई। तो जो मिडवल आर्टिलरी थी वो यहाँ पे कमजोर स्थापित हुई और कांदहार फोर्ट लेड बाय एन एबल पर्शियन कमांडर ये यहाँ पे ताकतवर स्थापित हुआ।
और कुछ इस प्रकार की डिफीट्स मुगलों को डेक्कन में भी देखने को मिली थी। डेक्कन मतलब साउथ इंडिया का जो हिस्सा था, वहां पे भी मुगलों ने कई बार बड़ी बड़ी तोपों से कुछ म्युनिसिपैलिटीज पर अटैक किया, लेकिन पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाए। ओके, तो शाहजहां बड़े लंबे समय तक कोशिश करता रहा कि कैसे करके वो कांधार को कब्जा ले, लेकिन प्रॉब्लम थी वो कब्जा नहीं पाया। एक और बात यहाँ पे बोली गई है कि शाहजहां यहाँ पे सेंटिमेंट्स में बह के कांधार को कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था कांधार को कब्जा के, जबकि रियलिस्टिकली उसको कांधार की ज्यादा जरूरत नहीं थी। क्योंकि क्या था कि उज़्बेक रूलर और सफाविड ये दोनों कमजोर पड़ रहे थे। पहले क्या था कि कांधार नाम का प्रोविंस बहुत जरूरी था मुगलों के कंट्रोल के अंदर रहना, ताकि नाथ से उज़्बेक ना कब्जा कर पाए और सफाविड वेस्ट से ना कब्जा कर पाए। लेकिन अब उज़्बेक भी कमजोर पड़ रहे थे, सफाविद्स भी कमजोर पड़ रहे थे, तो कांधार अगर मुगलों के कंट्रोल के अंदर नहीं है तो भी मुगलों को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा बॉर्डर इलाकों में। क्यों? क्योंकि उज़्बेक और सफाविद्स पहले जितने स्ट्रांग नहीं रह गए थे, तो कांधार की अब उतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं थी कि मुगल उसके लिए इतने बैटल लड़े। इंपॉर्टेंस बस ये थी कि शाहजहां को ऐसा लग रहा था कि उसकी ईगो हर्ट हो गई, उसके पास से कांधार छीन ले गए ईरानी वाले, इसलिए शाहजहां यहाँ पे लगातार कांधार के लिए लड़ रहा था। बट सालों तक लड़ने के बाद भी शाहजहां कांधार को यहाँ पे वापस नहीं ले पाया, और इससे मुगल प्रेस्टीज हर्ट हुई। मुगल प्रेस्टीज इस बात से ज्यादा हर्ट नहीं हुई कि कांधार के ऊपर कब्जा हो गया पर्शियंस का, इस बात से ज्यादा हर्ट हुई कि मुगल बार बार कब्जा कर रहे हैं, कांधार को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखो, मुगल भले यहाँ पे कांधार ना जीत पा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि मुगल प्रेस्टीज यहाँ पे कम है। लगातार जो पर्शियन राजा था वो भी मुगलों के साथ अच्छी दोस्ती करना चाह रहा था। जो प्राउड ओटोमन सुल्तान था उसने भी अपनी एक एम्बेसी भेजी थी सोलंग औरंगजेब के पास 1680 में, ताकि ओटोमन एम्पायर और मुगलों के बीच की जो दोस्ती है वो बनी रहे। तो शाहजहां के समय पे और कुछ समय तक औरंगजेब के शुरुआती रूल के समय पे मुगलों ने वापस कांधार को कब्जाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब औरंगजेब को लगा कि यार कोई मतलब नहीं है कांधार के पीछे भागने का, तो औरंगजेब ने कांधार के ऊपर क्लेम छोड़ दिया और उसने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित कर ली। उसको लगा बेकार में कांधार के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, किससे बेटर है डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट कर लो, जो ट्रेड वगैरह होगा उससे ज्यादा कमाई होगी, कांधार के ऊपर लड़के कोई फायदा नहीं है। ऐसा बाद में औरंगजेब को लगा और औरंगजेब ने दोस्ती कर ली ईरान के साथ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और वीडियो पे कमेंट करके दोस्तों इस वीडियो के इंगेजमेंट को बढ़ाएं, आपके कमेंट करने से लाइक करने से वीडियो का इंगेजमेंट बढ़ता है और यूट्यूब ज्यादा लोगों को इस वीडियो को रिकमेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं। मुगलों और ईरान के रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहे। कभी कभी जो ईरान का रूलर था ना शाह अब्बास, ये अलग तरीके से एक्ट करता। जैसे 1668 में शाह अब्बास ने जो मुगल एनवॉय था, जो कि मुगलों का रिप्रेजेंटेटिव था ईरान के अंदर, इसकी बड़ी बेइज्जती की, औरंगजेब को उल्टे से सुनाया, गालियां सुनाई। किसने? शाह अब्बास ने। इनफैक्ट यहाँ पे शाह अब्बास ने मुगलों के ऊपर अटैक की धमकी तक दे डाली। अब जब मुगलों को लगा कि ये शाह अब्बास कांधार के आगे पंजाब और काबुल के इलाके में घुसपैठ कर सकता है, तो मुगलों ने भी अपनी आर्मी वहां पर डिप्लॉय कर दी। हो सकता है कि शाह अब्बास टू जो कि ईरान का राजा था वो मुगलों के ऊपर अटैक कर देता, लेकिन उससे पहले शाह अब्बास की यहाँ पे मौत हो जाती है। और इसके बाद जो ईरानियन एम्पायर था वो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज में टूट जाएगा, एक स्ट्रांग एम्पायर की तरह नहीं रहेगा, और पर्शिया की तरफ से जो एक स्ट्रांग रूलर का खतरा होता था ना अटैक का, वो मुगलों के सामने खत्म हो जाएगा। ये खतरा 50 साल से भी ज्यादा के बाद आएगा नादिर शाह के फॉर्म में। नादिर शाह कब आएगा? 1739, लेकिन उसमें अभी बहुत समय है। अभी के लिए मुगलों का जो वेस्टर्न फ्रंटियर था जो कि ईरान के साथ लग रहा था, वो अभी के लिए यहाँ पे सिक्योर हो चुका था। ओके, तो अगर आप देखोगे तो मुगलों ने नॉर्थ वेस्ट में एक साइंटिफिक फ्रंटियर बना लिया था, हिंदू कुश, ठीक है ना, हिंदू कुश जो माउंटेन रेंजेस थी वो मुगलों की वेस्टर्न फ्रंटियर को गार्ड कर रही थी। हिंदू कुश माउंटेन रेंज को क्रॉस करके मुगलों के इलाकों पे अटैक कर पाना ये इतना आसान था नहीं। कांधार बहुत लंबे समय तक मुगलों के कंट्रोल में रहा, तो ओवरऑल मुगलों ने अपने बॉर्डर इलाकों को प्रोटेक्ट करके रखा। ईरानियंस ने जब कांधार के ऊपर कब्जा किया तो कांधार के आगे नहीं आ पाए।
डिप्लोमेटिक मीन से भी यहाँ पे मुगलों ने अपने फ्रंटियर्स को स्टेबल करके रखा। पर्शिया के साथ जो फ्रेंडशिप थी वो ज्यादातर केसेस में जारी थी। हाँ, कांदहार के ऊपर जब डिस्प्यूट रहा तब जरूर लड़ाई होगी, बट ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि पर्शिया और मुगलों के बीच में जो दोस्ती थी वो जारी रही। ओके, अच्छा, अक्सर कर ये जो मुगल राजा थे वो समरकंद और फरगाना के ऊपर कब्जा करने की बात करते थे, जो कि समरकंद और फरगाना बाबर के साथ एसोसिएटेड था। बट प्रैक्टिकली इन मुगल रूलर्स को पता था कि समरकंद और फरगाना को कब्जा करने के लिए सेंट्रल एशिया में घुसना पड़ेगा, और वहाँ पे केवल उज़्बेक नहीं है, बहुत सारे और लोकल लेवल पे ट्राइब्स के साथ लड़ना पड़ेगा। प्लस उन इलाकों में ट्राइबल कल्चर बहुत डोमिनेंट था और बाबर को मरे काफ़ी साल हो चुके थे, तो प्रैक्टिकली इन इलाकों के ऊपर मुगलों का डायरेक्ट कंट्रोल हो पाना मुश्किल था। इसलिए मुगलों ने एक लिमिट से ज्यादा कोशिश भी नहीं की। बल्क को जीतने के बावजूद शाहजहां वापस आ गया, उसने औरंगजेब से बोला वापस आ जाओ। ठीक है, तो डेफिनेटली बातचीत जरूर करते थे समरकंद और फरगाना की ये मुगल बादशाह, लेकिन वहां पे जाने की इन्होंने ज्यादा कोशिश नहीं की। लेकिन मुगलों ने जितना भी इलाका इनके कंट्रोल में था उसको एक स्टेबल फ्रंटियर दिया, मतलब उस फ्रंटियर को क्रॉस करके कोई फॉरेन पावर मुगल डोमिनियंस के ऊपर अटैक करके कब्जा कर पाए, ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात थी। दूसरा, मुगलों ने अपने साथ के जो एशियंस नेशंस थे उनको इम्पोर्टेंस दी बराबरी की, उनको बराबरी की वैल्यू दी, चाहे वो सफाविद्स हो उसके साथ भी अच्छी दोस्ती रखी, ओतुमन सुल्तान के साथ भी अच्छी दोस्ती रखी। ओतुमन सुल्तान ने अपने आप को पातशाह इस्लाम बोला था, ओके, और अपने आप को ये बगदाद के कैलिफ, बगदाद के खलीफा का सक्सेसर्स बनाते थे, बताते थे, उसके साथ भी मुगलों ने अपनी अच्छी दोस्ती रखी। हालांकि इनको एक लिमिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी मुगलों ने, बट दोस्ती इन्होंने अच्छी रखी। फॉरेन पॉलिसी मुगलों की कुछ अच्छी थी, ऐसी थी कि भाई कॉमर्शियल इंटरेस्ट बने रहे, चूंकि अब देखो ईरानियन के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, ओटोमन के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, तो आगे आने वाले समय में इन इलाकों से मुगलों का ट्रेड अच्छा रहेगा, कॉमर्स अच्छा रहेगा। एंड ट्रेड और कॉमर्स बराबर होता है मनी। जब आपका धंधा अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आप पैसा कमाओगे, और पैसा कमाना हर एम्पायर के लिए जरूरी था, मुगलों के लिए भी जरूरी था। नेक्स्ट आएंगे हम लोग ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, द मनसबदारी सिस्टम एंड द मुगल आर्मी। यहाँ पे मनसबदारी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मुगल्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखो तो जो अकबर ने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यहाँ पे सेटअप की थी वही फॉलो की किसने, जहांगीर ने, वही फॉलो की आपकी शाहजहां ने, और वही फॉलो करेगा कौन, आपका औरंगजेब। तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, बदलते समय के साथ कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, बट कोई रेवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं होंगे। मनसबदारी सिस्टम में कुछ चेंजेस हुए, बट ओवरऑल मनसबदारी सिस्टम वैसा ही रहा जैसा अकबर सेटअप करके गया था, हल्के फुल्के चेंजेस किए जाने लगे, क्योंकि मनसब एक लिमिट से ज्यादा जब बढ़ रहे थे तो ओवरऑल उनके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी जाट रैंक, कितनी सवार रैंक, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। अकबर के समय पे मनसबदार को प्रति सवार 240 रुपया प्रति एनएम दिया जाता था। प्रति सवार का मतलब क्या हो गया, तो एक मनसबदार जैसे 5000 मनसबदारी, 5000 मनसबदारी का मतलब क्या हो गया कि 5000 रैंक हो गई उस मनसबदार की, तो उस रैंक के अंदर हो सकता है कि उसको 5000 घुड़सवार सैनिक तैयार रखने हो, तो 5000 सैनिक तैयार रखने, हर सैनिक के लिए 2 से 3 घोड़े रखने, तो इन सब चीजों के लिए प्रति सैनिक पैसा देना पड़ेगा ना। तो अगर एक मनसबदार 5000 मनसबदारी है का है, तो अगर उसको 5000 घुड़सवार अपने पास रखने हैं तो हर घुड़सवार का 240 रुपया, तो 240 इंटू 5000 ये उस मनसबदार को दिए जाएंगे। तो जो मनसबदार की जाट और सवार रैंक होगी उसके हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। तो अकबर के समय में एक मनसबदार को एक सवार के लिए प्रति एनम 240 रुपये दिया जाता था। जहांगीर के समय पे ये पैसा 200 रुपये हो चुका था, और ये मनसबदार इस पैसे में से कुछ पैसा काटते थे। तो मान लो 200 रुपया है, तो 200 रुपया में से 5% काट के ये मनसबदार अपने पास रख लेते थे, तो 200 रुपये का 5% कितना हो जाएगा, 10 रुपये, तो उस सवार को 190 रुपये मिलेंगे। ये 5% मनसबदार अपने पास क्यों रखता था, चूंकि भाई कंटिंजेंट के बहुत से एक्सपेंसेस हैं। अब एक मनसबदार के पास मान लो 5000 की फौज है, उस 5000 की फौज के आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा, कहीं पे वो फौज गई तो वहां पे उसके खाने पीने का खर्चा थोड़ी बहुत, देखिए वैसे तो जो पैसा इन सवारों को मिलता था उसी से वो अपना घोड़े वगैरह का खर्चा
रहने खाने पीने का खर्चा, अपने घर वगैरह का खर्चा निकाल लेते थे। अच्छा खासा पैसा होता था उस समय पे, सालाना 200 रुपये बहुत बड़ा रकम थी। 2 रुपये प्रति महीने में एक इंडिविजुअल उस समय पे अपनी पूरी फैमिली को खाना खिला लेता था, और यहाँ तो 200 रुपये प्रति साल मिल रहे हैं। तो 200 रुपये प्रति साल कितना हो गया, लगभग मान लीजिए कि 18 रुपये हो गया महीने का। 18 रुपये महीना एक बहुत बड़ी तनख्वाह थी उस समय पे। फिर ओवरऑल ये जो मुगल के अंदर मनसबदार थे, इनके अंदर जो सैनिक होते थे, जैसे 5000 मनसबदारी में 5000 सैनिक, 7000 में 7000, अकबर के समय पर तो 7000 थी भी नहीं, बाद में आई थी, 3000 मनसबदारी 3000 सैनिक। तो अब ये जो सैनिक होंगे ना, 3000 2000 1000 जितने भी होंगे, इसमें मिक्सचर रखा जाता था, कुछ ईरानी होंगे, कुछ तुरानी होंगे, कुछ राजपूत होंगे, कुछ अफगान होंगे। ऐसा क्यों? अगर आप अलग अलग एथनिसिटी और ट्राइबल रैंक के लोगों को रखोगे तो एक एक्सक्लूसिव माइंडसेट नहीं बन पाएगा। मान लो कोई एक ऐसा आपने कंटिंजेंट बना लिया जहां पे सारे अफगान सैनिक हैं, तो अब उन अफगान सैनिकों के अंदर अफगान नेशनलिज्म आ जाएगा, तो फिर वो मुगलों के अंदर कल की डेट में कहो हथियार उठा ले मुगलों के खिलाफ कि हम मुगलों का गुलाम नहीं है, हम अपना अलग हैं। तो क्या किया गया कि अलग अलग एथनिसिटी के लोगों को मिक्स करके रखा गया, ताकि एक्सक्लूसिविज्म ना आ जाए, अपनी सेल्फ ट्राइबल आइडेंटिटी ना आ जाए। कुछ केसेस में स्पेसिफिक यूनिट्स भी बनाई गई, जैसे स्पेसिफिक राजपूत यूनिट, स्पेसिफिक मुगल यूनिट, बट ऐसे एग्जांपल्स बहुत कम थे। किसी बहुत बड़े राजपूत मनसबदार के अंदर अलाउ कर दिया तो कर दिया मानसिक टाइप। नॉर्मल कर केसेस में जो भी कंटिंजेंट होती थी उसमें अलग अलग एथनिसिटी और आइडेंटिटी के लोग होते थे। अब धीरे धीरे इस मनसबदारी सिस्टम में बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए। धीरे धीरे जो जाट सैलरीज थी उनको कम किया जा रहा था, जो जाट रैंक को कम किए बिना नंबर ऑफ सवार्स को कम किया जा रहा था। तो आप देखोगे कि अगर अकबर के समय पे 5000 मनसबदारी है तो 5000 सवार मेंटेन करने थे, जहांगीर के समय पे इस पे थोड़ा कम किया गया। जाट रैंक उतनी रखी जाएगी, आपको जितने नंबर ऑफ ट्रूपर्स करने हैं वो आप कम रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, अच्छा एक और चीज यहां पे मैं आपको दो ट्रेंड बता रहा हूं, एक जहांगीर के समय का, एक शाहजहां के समय पे, ट्रेंड थोड़ा अलग है। अभी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया वो शाहजहां के समय का है। जहांगीर के समय पे क्या हुआ कि मान लो जाट रैंक है आपकी 3000 की, अब अकबर के समय पे अगर आपकी 3000 की जाट रैंक है तो आपको नॉर्मल कर केसेस में क्या करना पड़ेगा कि 3000 ट्रूप्स मेंटेन करने पड़ेंगे, समझ गए? आपको नॉर्मल कर केसेस में 3000 ट्रूप्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और एक ट्रूप के लिए कम से कम 2 से 3 घोड़े रखे जाते थे, तो 6000 से 9000 घोड़े मेंटेन करने पड़ेंगे। ये अकबर के समय पे होता था। जहांगीर के समय पे क्या हुआ, अकबर के बाद गद्दी पर बैठा जहांगीर, कि इन मनसबदारों की जाट रैंक नहीं बढ़ाई गई। अगर कोई 3000 जाट रैंक का मनसबदार है तो 3000 रहेगा, लेकिन उसको ये परमिशन दी गई कि वो ट्रूप्स ज्यादा रख सकता है। तो एक 3000 जाट रैंक वाला 6000 ट्रूप्स को रख सकता है, ठीक है ना? और अगर वो 6000 ट्रूप्स को रखेगा तो भाई फिर आप समझ लो कि 12000 से 18000 घोड़े रखने पड़ेंगे। तो आप समझिए, यहां पे अकबर के समय पे अगर 3000 ही जाट रैंक है तो 3000 सवार होंगे। जहांगीर के समय पे एक सिस्टम लाया गया, इस सिस्टम को आप दू सिपाह सिह अस्पहा भी बोल सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है। इस दू अस्पहा सिह अस्पहा में क्या होगा कि उसकी जाट रैंक भले ही 3000 की है, बट वो यहां पे ट्रूप्स जो सवार है वो 6000 तक रख सकता है और उनके हिसाब से घोड़े रख सकता है। शाहजहां के समय पे चीजें थोड़ी अलग हुई। शाहजहां के समय पे एक्चुअली में हो क्या रहा था कि बहुत सारे मनसबदार हो गए थे। अब जब बहुत सारे मनसबदार हो गए तो मान लो किसी मनसबदार की रैंक है 3000 जाट, तो 3000 जाट वाला जो मनसबदार है वो सवार 3000 से कम रख सकता है। तो हो सकता है कि उसकी रैंक 3000 जाट की हो बट सवार उसकी पास केवल 1000 हो, और केवल 1000 सवार हैं तो घोड़े 2000 से 3000 होंगे। हो सकता है कि उसके पास 2000 सवार हो। नॉर्मल कर केसेस में शाहजहां के समय पे 3000 जाट या 3000 सवार की रैंक का कोई ऑफिसर है, मनसबदार है, तो उसके पास 1000 से ज्यादा ट्रूप्स नहीं होंगे, 1000 से ज्यादा सवार नहीं होंगे, और उसमें भी अगर उसका सिस्टम चल रहा है सवार दू अस्पा सी अस्पा का तो 2000 ट्रूपर्स। मतलब कि जो अकबर के समय पे सिस्टम था 3000 जाट 3000 सवार, वो आपका जहांगीर के समय पे हो गया 3000 जाट रैंक, तो भैया 6000 तक ट्रूप्स रख लो और उतने फिर घोड़े दोगुने से तीन गुने। और शाहजहां के समय पे क्या हो गया कि मनसबदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए अगर आपकी जाट रैंक 3000 है तो सवार आप 1000 से ज्यादा नहीं रखोगे, और उसमें कुछ लोगों को जिनको सवार दो इस्पाह की रैंक दी गई है वो 2000 तक सवार रख लेंगे, और जितने सवार हैं उसके 2 से 3 गुना घोड़े। शाहजहां के समय पे
आपकी जाट रैंक के हिसाब से आप सवार कम क्यों रख रहे हो, उसकी सिंपल वजह है क्योंकि मनसबदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इतने ज्यादा मनसबदार आ गए हैं, बहुत सारे मनसबदार आ गए, अकबर के समय पर 1000 मनसबदार थे तो अब 4000 मनसबदार हो गए, तो हर मनसबदार को कम अमाउंट ऑफ ट्रूप्स रखने की जरूरत है तो भी मुगल आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा मनसबदार अगर ज्यादा ट्रूप्स रखेंगे तो उनको तनख्वाह भी ज्यादा देनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके जो मुगल ट्रेजरी थी ना वो थोड़ी कमजोर हो रही थी, मुगल की जो फाइनेंशियल प्रोविस थी ना वो थोड़ी कमजोर हो रही थी। एक और चीज है यहाँ पे, जो मनसबदारों की सैलरी होती थी वो रुपए में हुआ करती थी बट उनको कैश नहीं पे किया जाता था। ये जो मनसबदार थे इनको जागीर दी जाती थी, जागीर एक लैंड होती थी, उस लैंड से जो रेवेन्यू कलेक्शन है उस रेवेन्यू कलेक्शन को करो और अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी फीस वगैरह और उनका जो भी आप खर्चा है वो आप उठाओ, समझ गए। तो मनसबदारों को भी ऐसा लगता था कि जागीर मिल जाए और मुगल बादशाह के लिए भी आसान था कि जागीर दे दो। मनसबदार क्यों चाहते थे कि यहाँ पे जागीर मिल जाए, क्योंकि देखिए दो वजह थी, एक तो जब आपको जमीन मिलती है तो जमीन के साथ आपकी सोशल प्रेस्टीज जुड़ी हुई होती है, आप एक जमींदार की तरह फील करते हो, आपको लगता है कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये मेरा है, इसके ऊपर मेरी बादशाहत है। और कैश में प्रॉब्लम थी, अगर मनसबदार को कैश में पेमेंट होगी तो कैश में पेमेंट होने में अक्सर कर करप्शन होता था, जो पेमेंट्स थी वो डिले हो जाती थी और किसी को भी देर से पैसा मिले वो उसको पसंद नहीं आएगा। तो ज्यादातर मनसबदार ये चाहते थे कि उनको जागीर मिल जाए, एक जमीन मिल जाए, उस जमीन के ऊपर वो रेवेन्यू कलेक्शन करें और उस रेवेन्यू कलेक्शन से वो अपनी आर्मी का खर्चा उठा लें, और जमीन मिल जाएगी तो सोशल प्रेस्टीज भी होगी। तो इस प्रकार से मनसबदारी के सिस्टम को यहाँ पे ब्यूरोक्रेटाइज कर दिया था मुगलों ने, एक प्रकार के मुगल नोबिलिटी के अंदर ये जो मनसबदार थे वो ब्यूरोक्रेट्स की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। अब जब जागीर असाइन की जाएगी तो अकाउंटिंग भी की जाएगी, अकाउंटिंग के लिए जो इनकम थी इस इनकम की यूनिट को यहां पर रखा गया जाम। जाम यूनिट में मतलब क्या है कि दाम नाम की एक यूनिट हुआ करती थी, एक रुपए में 40 दाम हुआ करते थे और इस दाम के हिसाब से पैसा दिया जाता था मनसबदारों को। तो ओवरऑल जो सिस्टम निकल के आया इसको जाम दामी सिस्टम बोला गया। एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार किया गया, उस डॉक्यूमेंट में अकाउंट में रजिस्ट्री होती थी कि किस मनसबदार को कौन सी जागीरदारी दी गई, उस जागीर से उस मनसबदार की कितनी कमाई हुई, उस कमाई में उसने अपने सोल्जर्स को कितना पैसा दिया, अपने पास कितना पैसा रखा, इसका पूरा एक अकाउंट रजिस्टर मेंटेन होता था जिसको जाम दामी बोला जाता था। जो पैसा यहाँ पे था वो दाम था और एक रुपए में 40 दाम आते थे। जैसे जैसे मनसबदारों के नंबर बढ़ रहे थे वैसे वैसे मुगल अंपायर की जो पैसा देने की कैपेबिलिटी थी वो कम हो रही थी, इसलिए जागीर वगैरह देके काम चला लिया जाता था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे मनसबदारों की जो तनख्वाह थी और प्रति सवार जो तनख्वाह थी उसको कम किया गया। लेकिन आप एक लिमिट से ज्यादा तनख्वाह कम नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मी की अगर आप एक लिमिट से ज्यादा तनख्वाह कम करोगे तो उसकी जो प्रेस्टीज है वो कम होगी, और उसकी जो प्रेस्टीज है वो कम होगी तो उसके अंदर एक डिसअफेक्शन आएगा राजा के लिए, और राजा के लिए डिसअफेक्शन आर्मी में सही नहीं है क्योंकि यही आर्मी के दम पे आपका राज स्थापित है, समझ गए बात को। तो ट्रूपर्स का कोटा मतलब एक मनसबदार के पास कितने ट्रूप रहेंगे, उसके पास कितने घोड़े रहेंगे, उसकी तनख्वाह 10 महीने में देनी है, 6 महीने में देनी है, 8 महीने में देनी है, उसकी जागीर की अकाउंटिंग कैसे होगी, इसके लिए समय समय पे अलग अलग रूलर्स ने अपने अलग अलग नियम कानून निकाले। तो ये छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस रहते थे। धीरे धीरे जब पैसों की कमी होनी शुरू हुई तो आप नेचुरली क्या होगा करोगे, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करोगे। जब नॉर्मल एग्रीकल्चर से ज्यादा पैसा निकल के नहीं आ रहा है तो इन नॉबल्स ने क्या किया, अब देखिए बड़ी तो थी उस समय पे आबादी मुश्किल से कितनी रही होगी, 10-12 करोड़ रही होगी देश की, और इलाका बहुत ज्यादा था तो बड़े बड़े इलाकों को इन नॉबलों ने अपने कब्जों में लेना शुरू किया और उन इलाकों पर एग्रीकल्चर शुरू किया। इनको लगा कि ज्यादा इलाका होगा उस पर ज्यादा एग्रीकल्चर होगा, ज्यादा पैदावार होगी तो ज्यादा टैक्स यहाँ पे स्टेट को मिलेगा। तो इस प्रकार की भी चीजें यहाँ पे शुरू की गई, ठीक है। एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ाया गया, कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ाया गया, और कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन पे जो टैक्सेस थे वो भी मुगल्स यहाँ पे ज्यादा लेते थे। तो कुल मिला के जो पूरा का पूरा मनसबदारी सिस्टम था यहाँ पे मुगलों का, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी। एक तो डिपेंड करती थी दाग ब्रांडिंग, दाग ब्रांडिंग मतलब कि जो भी घोड़े मुगलों की सर्विस में लिए जा रहे हैं उनके ऊपर एक दाग लगाया जाएगा, इस दाग से उस पर्टिकुलर घोड़े की क्वालिटी को मापा जाएगा और ये मापा जाएगा कि सच में एक्चुअली में कितने घोड़े हैं मुगल आर्मी के अंदर। चूंकि क्या है ना कि एक ट्रूपर
अपने पैसे कम करने के लिए कोई इन्फीरियर क्वालिटी का घोड़ा भी इनरोल कर सकता है मुगल आर्मी के अंदर, और मुगल आर्मी के अंदर टॉप क्वालिटी के घोड़े होने चाहिए, ये जरूरी है मुगल आर्मी की आप कह सकते हो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। फिर आप देख लो कि जामदामी के सिस्टम के चलते मनसबदारों को कितना पैसा दिया जाएगा, ज्यादा दिया जाएगा, कम दिया जाएगा, ये सब चीजें यहाँ पे करी गई। इस बात को मेंटेन करना मुगल एम्परर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि जामदामी के सिस्टम के तहत मनसबदार को ठीक ठाक पैसा मिले, क्योंकि अगर मनसबदार को ठीक तरीके से पैसा नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसमें करप्शन भी बहुत होता था, जो अकाउंट्स मेंटेन करने वाले लोग थे ना वो अक्सर करप्शन किया करते थे, जो मनसबदारी ग्राउंड लेवल पे चलाने वाले लोग थे वो भी यहाँ पे करप्शन किया करते थे। तो एक ही ट्रूप को बार बार काउंट करवा देना, घोड़ों का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करना, इन्फीरियर क्वालिटी के घोड़ों को यहाँ पे रिक्रूट कर लेना, तो इन सब चीजों के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत थी। लेकिन मॉनिटरिंग को स्क्रिप करके ये लोग जैसे तैसे करके थोड़े बहुत तो इन्फीरियर क्वालिटी के घोड़े और मैन तो घुसा ही देते थे यहाँ पे। लेकिन शाहजहां ने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत पक्का रखा था, उसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़े टैलेंटेड वजीर्स को अपने नीचे अपॉइंट कर रखा था, और उन वजीर्स के थ्रू वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को प्रमोट करता था। जो मनसबदार ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करते थे उनको सही समय पर प्रमोशन देना, रिवॉर्ड देना, मुगल नॉबिलिटी को एक लॉयल क्लास में यहाँ पे शाहजहां ने बदलने की कोशिश की। अगर मुगल आर्मी की बात करो आप, अब मुगल आर्मी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो फिर इसमें आप ये देखोगे कि ज्यादातर जो मुगल आर्मी थी वो कहां से आती थी, वो मनसबदारों की तरफ से आती थी। तो मनसबदार ने जो लोगों को अपने नीचे रिक्रूट कर लिया था, देवर बेसिकली द मुगल आर्मी। लेकिन एक और एलिमेंट था मुगल आर्मी के अंदर जिनको बोला जाता था अहादीस, AHADIS। ये जो अहादीस थे आपके, ये जेंटलमैन ट्रूपर्स थे, इनको मनसबदार के अंदर जो ट्रूपर्स थे उससे ज्यादा पैसा मिलता था, ये ट्रस्टेड कॉर्प्स थे, इनको शाहजहां मतलब एम्परर द्वारा सीधे सीधे रिक्रूट किया गया था। और एक अहादी अपने पास 5 घोड़े तक रख जाता था। जो अहादीस थे ये मिलिट्री स्किल्स में तो थे ही टॉप के, और इनको रॉयल हाउस के अंदर बहुत प्रकार के काम दिए गए थे, कुछ को क्लर्क का काम दिया गया था, कुछ को पेंटिंग का काम दिया गया था, कुछ रॉयल कारखानों में काम करते थे, लेकिन इन सबके पास मिलिट्री स्किल्स थे, और अपनी मिलिट्री स्किल्स के दम पे ये डायरेक्ट एम्परर के लिए काम करते थे। तो अहादी में कोई पैरा गैरा नहीं जा पाएगा, कोई प्रॉपरली मिलिट्री ट्रेंड पर्सनल ही जाएगा। शाहजहां के समय पे लगभग 7,000 अहादीस थे, और इन सबको बहुत सारे फाइटिंग मिलिट्री असाइनमेंट्स भी दिए गए। तो मुगल आर्मी के अंदर जो अहादीस थे, कुछ तीरंदाज थे, कुछ बरकंदाज थे। तीरंदाज जो कि मतलब धनुष बाण चलाने में बहुत टॉप के लेवल के थे, और बरकंदाज को मस्कीटियर्स कहा जाता था। उस समय पे जो भी मुगल आर्मी में पुराने क्वालिटी की बंदूकें थी, उन बंदूकों को चलाने में जो बिल्कुल परफेक्टली मास्टर्ड लोग थे, उनको मस्कीटियर्स कहा जाता था। तो ये अहादीज आप कह सकते हो कि एक मिलिट्री स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते थे मुगल मिलिट्री को। फिर इसके साथ साथ रॉयल बॉडीगार्ड्स थे, जिनको आप वाला शाहीज बोलते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रॉयल बॉडीगार्ड, वाला शाहीज, WALASHAHIS। तो ये जो वाला शाहीज थे, ये बॉडीगार्ड्स थे, ये आर्म्ड पैलेस गार्ड्स थे। बहुत सारे लोग तो इसमें मुगल एम्परर और आप कह सकते हो मुगल एम्परर के जो भी फैमिली मेंबर्स थे उनकी प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व थे। फिर कैवलरी मैन थे, कैवलरी मैन जो घुड़सवार सैनिक होते थे, लेकिन इन घुड़सवार सैनिक को पैदल असाइनमेंट्स में भी आप कह सकते हो डिप्यूट किया जाता था। फिर जो फुटमैन था उसको पियादगन कहते थे, पियादगन मतलब PIYADGAN। बहुत सारे पियादगन थे आप कह सकते हो मुगल आर्मी के अंदर। फिर मैच लॉक बेरर्स थे, बंदूकची जो कि बंदूक चलाते थे, बेसिकली आप मस्केटियर्स बोल सकते हो उनको। और इन सब लोगों को पता है कितनी तनख्वाह मिलती थी, 3 से 7 रुपया प्रति महीना। सोचिए कि मनसबदार के अंदर ये जो सोल्जर्स थे उनको 200 रुपये प्रति साल, तो मतलब इनकी तनख्वाह लगभग अच्छी खासी आ रही है, 12 x 12 = 72, लगभग कह लो 70 रुपये प्रति महीना आ रही है एक मनसबदार के अंदर काम करने वाले सोल्जर को। एक फुटमैन को, बंदूकची को 3 से 7 रुपये आ रही है, और अहादीस को आप कह सकते हो कि मनसबदार के सैनिकों से भी ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। तो अलग अलग रोल थे इनको और इनकी तनख्वाह अलग अलग थी। जो स्लेव्स काम करते थे ना आपके मुगलों के अंदर, ठीक है, मतलब मुगलों के समय पे अच्छे खासे स्लेव्स थे, दिल्ली सल्तनत जितने नहीं थे बट फिर भी ठीक ठाक स्लेव्स थे। और फुट सोल्जर्स में अगर आप देखोगे तो पॉर्टर्स। अच्छा एक और बात, ये जो पियादगन थे ना, फुटमैन थे मुगल आर्मी में, उसमें जरूरी नहीं कि वो लड़ ही रहा हो, तो ग्राउंड लेवल पे बार्बर हो गया, पॉटर हो गया, पॉटर मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, स्वॉर्डमैन, रेस्टलर, न्यूज रनर, न्यूज रनर मतलब उसको चिट्ठी पकड़ा दी और बोला दौड़ के जाओ इस चिट्ठी को वहां पहुंचा दो। तो इस प्रकार के लोगों को भी फुट सोल्जर्स की कैटेगरी में काउंट किया जाता था। फिर जो स्लेव था
वो भी यहाँ पे था, स्लेव को 1 से 2 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह मिला करती थी अपना घर खर्च चलाने के लिए। मुगलों के पास वॉर एलिफेंट का एक बहुत बड़ा जट्ठा था, एक जबरदस्त आर्टिलरी का पार्क था। आर्टिलरी दो प्रकार की थी मुगलों के पास, एक तो थी हैवी आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी मतलब बड़ी बड़ी बंदूकें जो कि आप बिल्कुल कई सारे हाथियों के साथ खींच के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो। एक स्विफ्ट आर्टिलरी थी मुगलों के पास, छोटी बंदूकें जो कि हाईली मोबाइल थी। अगर हम शाहजहां मतलब एम्परर कहीं पे भी जा रहा है तो एक दो घोड़े जिस बंदूक को खींच लें उसको आप स्मॉल आर्टिलरी बोलोगे, लाइट आर्टिलरी बोलोगे। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस जिनका बोलना है कि जो बड़ी आर्टिलरी थी वो आवाज ज्यादा करती थी, मतलब ओवरऑल शोर शराबा ज्यादा करती थी, उसके आने से ऐसा लगता था कि भाई बहुत बड़ी ताकतवर कोई गन आ गई है, बट उससे ज्यादा फायदा नहीं होता था। क्योंकि जो बड़ी आर्टिलरी थी उसको एक तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल। बड़ी आर्टिलरी आप ये समझ लीजिए, अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी ये आपकी तानाजी, उस तानाजी में जो सैफ अली खान का रोल दिखाया गया ना, वो सैफ अली खान औरंगजेब के अंदर होता है, तो एक बड़ी सी तोप लेके जाता है वो डेक्कन में। तो उस प्रकार की जो बड़ी बड़ी तोपें हुआ करती थी ना मुगल आर्टिलरी, वो मतलब सामने वाले के दिल में खौफ ज्यादा पैदा करती थी, बट एक्चुअली में उनकी इफेक्टिविटी कम होती थी, चूंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उनको मुश्किल होता था। लेकिन जो छोटी आर्टिलरी होती थी वो ज्यादा इफेक्टिव होती थी। बड़ी आर्टिलरी में एक प्रॉब्लम थी कि बड़ी आर्टिलरी कभी कभी अपनी जगहों पर फट जाती थी, तो जो उस आर्टिलरी को मैन कर रहा होता था उसको चोट आ जाती थी। छोटी आर्टिलरी की एफिशिएंसी ज्यादा थी। ये सब किसने बताया? एक फ्रेंच मर है बर्नियर, ठीक है ना। ये जो फ्रेंच मर था बर्नियर, ये शाहजहां के कोर्ट में था, लाहौर गया था शाहजहां के साथ, तो उस समय पे उसने बड़ी आर्टिलरी और छोटो आर्टिलरी दोनों देखी थी और दोनों की क्वालिटी को उसने समझाया था। उसने बोला था कि बड़ी आर्टिलरी बस दुश्मन के दिल में डर पैदा करती थी, एक्चुअली में एफिशिएंसी छोटी आर्टिलरी की ज्यादा थी। फिर अगर ओवरऑल बात की जाए मुगल आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी थी, थोड़ा मुश्किल है पता करना। शाहजहां के समय पे ऐसा बताया जा रहा था कि 2 लाख घुड़सवार सैनिक थे, औरंगजेब के समय पे 2,40,000 घुड़सवार सैनिक हो गए। शाहजहां के समय पे जो आप कह सकते हो कि इन्फेंट्री थी, जो पैदल सैनिक थे, वो लगभग 40,000 थे, औरंगजेब के समय पे भी लगभग 40,000 पैदल सैनिक थे। अगर मुगल आर्मी की एफिशिएंसी की बात की जाए तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स और यूरोपियन स्टेट्स से ज्यादा एफिशिएंसी उसकी कंपेयर नहीं की जा सकती है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो मुगल इन्फेंट्री थी, मुगल इन्फेंट्री उतनी डिसिप्लिन नहीं थी। किसके कंपैरिजन में? यूरोपियन इन्फेंट्री के कंपैरिजन में। एक्चुअली में बहुत सारे यूरोपियंस उस समय पे हमारे मुगल रूलर्स के कोर्ट में आए थे, तो उन्होंने अपने अपने अकाउंट दे रखे थे, तो वो बता रहे थे कि यूरोप में उस समय पे जो इन्फेंट्री थी, यूरोप में उस समय पे जो बंदूकें वगैरह थी, जो तोपें वगैरह थी, वो मुगल से ज्यादा डेवलप्ड थी। बट बहुत सारे हिस्टोरियंस का ऐसा बोलना है कि मुगल आर्टिलरी यूरोपियन आर्टिलरी से कम नहीं थी। ये अलग बात है कि मुगल इन्फेंट्री यूरोपियन इन्फेंट्री जितनी डिसिप्लिन नहीं थी। अगर उज़्बेकों के अगेंस्ट मुगल लड़ाई की आप बात करोगे तो मुगल आर्मी किसी भी प्रकार से सेंट्रल एशियन आर्मी या पर्शियन आर्मी से आपको इन्फीरियर नहीं दिखेगी, लेकिन मुगल आर्मी यूरोपियन आर्मी से नहीं लड़ी, और यूरोपियन आर्मी ज्यादा डिसिप्लिन इन्फेंट्री और आर्टिलरी के मामले में मुगलों से ज्यादा अच्छी बताई जाती। बट ऑब्वियस ही बात है, यूरोपियन आर्मी यूरोप में थी, उसका मुगलों की आर्मी से कोई लड़ाई जड़ाई थी नहीं। मुगलों की आर्मी की लड़ाई हुई उज़्बेकों के साथ, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के साथ और पर्शियंस के साथ, और उसमें मुगल जो आर्टिलरी थी, जो मुगल सैनिक थे, वो डट के खड़े हुए। तो सेंट्रल एशियन और पर्शियन के सामने तो मुगलों की आर्टिलरी पूरी दम से थी, यूरोप के साथ कंपैरिजन में बहुत सारे यूरोपियन अकाउंट से बताया जाता है कि मुगल आर्टिलरी इन्फेंट्री कमजोर पड़ जाती। अगर समुद्री ताकत की बात की जाए तो भाई मुगलों की समुद्री ताकत ज्यादा डेवलप नहीं थी। टर्की और जो सल्तनत थी ओमान की, इन्होंने नेवल स्फीयर में अपनी ताकत को बहुत बढ़ाया था, बट सी वॉरफेयर में मुगल ताकत ज्यादा नहीं बढ़ पाई थी। मुगलों का जो मिलिट्री सिस्टम था वो जागीरदारी सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम पे बहुत हद तक टिका हुआ था। तो जो फ्यूडलिस्टिक एलिमेंट थे, ये आपके मनसबदार, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनके ताकत के दम पे जो मुगल मिलिट्री थी वो खड़ी हुई थी। समुंदर के फील्ड में डेफिनेटली मुगलों ने थोड़ी बहुत नेवी डेवलप की थी, बट वो नेवी किसी भी हाल में पोर्तुगीज या ओटोमन सुल्तान की टक्कर की नहीं थी। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 15 खत्म कर चुके हैं दोस्तों। अगली वीडियो में शुरुआत होगी चैप्टर नंबर 16 की, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द मुगल्स। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।